इसी प्रकार के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं इस अवसर पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गणेशी लाल जी, महामहिम राज्यपाल उड़ीसा सरकार का पूरे उड़ीसा के तेरापन समाज की ओर से और उपस्थित आप सब लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आचार्य श्री महाश्रवण जी जो हमारे तेरापन धर्म संघ के और आपने इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता के रूप में समणी मलिया प्रज्ञा जी को यहां पर भेजने का जो निर्देश दिया, हम उसके लिए पूरे समाज की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनके चरणों में कोटि से वंदना करते हैं। समणी मलिया प्रज्ञा जी के साथ में समणी नीत प्रज्ञा जी भी यहाँ उपस्थित है। विशेषकर कटक और भुवनेश्वर वासियों को समणी मलिया प्रज्ञा जी एक अपरिचित नहीं है। भुवनेश्वर का 2016 की नव वर्ष का प्रथम दिन और मंगल पाठ के लिए नव वर्ष का मंगल पाठ का 2016 का मंगल पाठ हम सब लोगों को आज भी हो अपनी स्मरण शक्ति में हम सबको याद है। तो ऐसे समणी जी को पाकर हम सब अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज हमारे निमंत्रण पर और बहुत अल्पकालिक निमंत्रण पर भुवनेश्वर, कटक, पश्चिम उड़ीसा और समाज के, प्रशासन के, संघ के, एकल अभियान के और समाज के सभी घटकों के जो सम्माननीय अतिथि वृंद आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आचार्य महाप्रज्ञा जी की जन्म शताब्दी जिसे आचार्य महाश्रवण जी ने ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में घोषित किया, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञा जी स्वयं ज्ञान के धनी थे। ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिनमें उन्होंने अपना सारगर्भित वक्तव्य नहीं दिया, भाषण नहीं दिया या उसमें उन्होंने लेख नहीं लिखा। जब वो अर्थशास्त्र पर बोलते थे या लिखते हैं
तो किसी भी अर्थशास्त्री से कम नहीं, दर्शन शास्त्र पर लिखते हैं तो किसी भी दर्शन शास्त्री से कम नहीं, विज्ञान के ऊपर में लिखते हैं तो किसी भी साइंटिस्ट से कम नहीं, और ध्यान योग ये तो उनकी साधना का एक चरम लक्ष्य था। इस प्रकार जीवन के अनेक और महत्वपूर्ण आयामों पर उन्होंने अपना चिंतन पूरे समाज को दिया। विशेषकर एक घटना का उल्लेख करूंगा, जब 2002 की गोधरा की घटना घटी, तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में थे, उस समय वहां पर जगन्नाथ यात्रा जो उड़ीसा के बाद सबसे बड़ी वहां की रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करने में और दोनों समुदायों के बीच में एक सौहार्द भाव स्थापित करने में जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने रोल निभाया, वो आज भी पूरी गुजरात की जनता और देश की जनता उसको याद कर रही है। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी का आज हम ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। आचार्य महाश्रवण जी ने इसके उपलक्ष्य में एक जो संबोधी पुस्तक है, उस संबोधी पुस्तक के बारे में सभी श्रावकों से निवेदन किया है। ये संबोधी जो ग्रंथ है, यह वास्तव में गीता के सदृश ग्रंथ है। जैसे योगीराज कृष्ण की और वाणी सुन करके और अर्जुन का जीवन परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार इस संबोधी के अंदर में और भगवान महावीर का प्रवचन सुनकर और उनके वचनों को सुनकर के मेघ कुमार के जीवन में जितने संशय थे वो सब दूर हुए। तो इस प्रकार जीवन में आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत, आचरण का सिद्धांत और ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए भी हम अपने जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस संबोधी व्याख्यान माला में है। ये हम सब का पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने आचार्य प्रवृत्ति और आदेश का पालन करते हुए निश्चित रूप से इस पुस्तक का पठन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे और इसमें लिखे हुए वचनों को अपने जीवन में निभाने का प्रयत्न करेंगे। गीता में जिस प्रकार से 18 अध्याय है, इस प्रकार इस संबोधी के भी 16 अध्याय है और 786 श्लोक है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम सबको विद्वान समणी जी को सुनना है, तो मैं समणी वृंद से निवेदन करूंगा सारगर्भित वक्तव्य के लिए समणी मलय प्रज्ञा जी। आदर्शों की जीती जाती मसाल को प्रणाम। प्रणाम महात्मा से, महात्मा अमिता से अलंकृत मानवता के महासूर्य महात्मा महाप्रज्ञ को, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, सम्मानित मंच, उपस्थित जनमेदिनी, महासभा के निर्देशन से जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में आचार्य महाप्रज्ञ की सेंटिनरी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संभवतः जहाँ तक मुझे ध्यान है 51 व्याख्यान माला ये चल रहा है और उसी के संदर्भ में आज उत्कल की ये राजधानी भुवनेश्वर पर भुवनेश्वर सभा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और उसमें भी सानिध्य है राज्य महामहिम राज्यपाल महोदय का, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। और हम चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य महाप्रज्ञ की। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत सुंदर दोहा है, सात समंदर मसी करू लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करू कागज करू महाप्रज्ञ गुण लिखा न जाए। सात समंदर मसी करू, सात समंदर के पानी को यदि स्याही बना दिया जाए, लेखनी सब बन राय और सारे जंगलों के लकड़ियों को वृक्षों को लेखनी बना दी जाए, सब धरती कागज करो और पूरे धरती को यदि कागज बना दिया जाए महाप्रज्ञ गुण लिखा न जाए। इतना होने के बावजूद भी महाप्रज्ञ के गुणों को लिखना बहुत मुश्किल है। और आचार्य मान तुमने भी बहुत सुंदर तमक के उस स्तुति में लिखा है, मैं ऐसे वाटिका में खड़ा हूँ, ऐसे उपवन में खड़ा हूँ जहाँ पर एक से बढ़ के एक फूल है और मुझे चुनने के लिए कहा गया, किसको चुनो और किसको छोड़ो, तो शायद आज भी मेरी वैसी ही स्थिति बन रही है। तो आचार्य महाप्रज्ञ के लिए पंक्ति के साथ ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। काल जयी व्यक्तित्व तुम्हारा शब्दों से कैसे बदलाए,
श्रद्धा भक्ति के भावों से संघ सुमेरु तुम्हें बधाएं, संघ सुमेरु तुम्हें बधाएं। सौभाग्यशाली है ऐसे कालजय व्यक्तित्व की हम अभ्यर्थना कर रहे हैं। किसी युवक ने किसी सन्यासी से कहा, महात्मन बचपन से मेरी एक इच्छा है, मेरा नाम यादगार बन जाए। और उसके लिए मैंने बहुत बहुत प्रयत्न किया, कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर, कभी पत्थरों पर, कभी अखबार में, कहां कहां मैंने अपने नाम नहीं लिखे। लेकिन आश्चर्य, दूसरे ही दिन मैंने मिटा हुआ पाया। महात्मा ने कहा, युवक यदि यादगार बनना है तो पत्थरों में नहीं दिलों पे नाम। लोग पूछते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ ने क्या किया जो हर दिल उनको प्रिय लगते, सारे लोग उनको याद करते। मैं कहना चाहूंगी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या नहीं किया। अनगढ़ पत्थर बनकर आए थे और आचार्य तुलसी ने उनको तब तक भरा, तब तक तराशा जब तक वो भगवान नहीं बने। सभी जानते हैं बीज ही वट वृक्ष बनता है, संभावनाएं छिपी रहती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी में भी संभावनाएं छिपी थी और तुलसी ने तराशा तलाशा भगवान बना लिया। तो आज हम चर्चा करेंगे, अक्सर आप लोग सुने हैं थ्री डायमेंशन की बात सुनते हैं, थ्री डी की बात करते हैं, आज मैं 4D की बात करूंगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी को हम 4D से 4 डायमेंशन से देख सकते हैं। और मान के चले कोई भी व्यक्ति बचपन से जन्म से कोई महान नहीं होता है, अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से ही महान बनता है। तो आचार्य श्री की महानता को हम 4D से देख सकते हैं, व्यक्तित्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व और नेतृत्व। आचार्य श्री की व्यक्तित्व को यदि हम ध्यान दें, बहुत सुंदर कहा गया, रत्न गर्भा वसुंधरा। ये वसुधा कैसी है, रत्नों से महापुरुषों से संपन्न है, एक से बढ़कर एक क्वालिटी है। यहाँ अर्थशास्त्री है, समाज शास्त्री है, नीति शास्त्री है, कोई समाज सुधारक है, कोई धर्म गुरु है, कोई वैज्ञानिक है, कोई क्रिएटर है, कोई ऑपरेटर है, कोई जनरेटर है, न जाने क्या क्या है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे विभूति थे कि सारी क्वालिटी, सारे गुण उनमें समाहित थे। ऐसा कोई गुण नहीं था जो उनमें नहीं था। 3 प्रकार के लोग होते हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अंतर दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, रंगीन चश्मा लगाने के बाद व्यक्ति को सारी दुनिया रंगीन नजर आती है। सम्यक दृष्टि वाले कैमरे की तरह होते हैं, जो चीज जैसा है ऐसी चीज उसको देखते हैं, यथार्थ देखते हैं। और अंतर दृष्टि वाले एक्सीलेंट होते हैं, सिर्फ बाहर को नहीं देखते, वो भीतर को भी देखते हैं। जो जानते हैं महाप्रज्ञ जी को, मैं पूछ सकती हूँ वो कौन सी दृष्टि वाले थे, अंतर दृष्टि वाले। एक शब्द में कहे, बिना आंख से देख सकते थे और बिना कान से सुन सकते थे। और 3 प्रकार के संत की भी चर्चा आती है। एक संत होते हैं आत्मद्रष्टा, सिर्फ आत्म केंद्रित होते हैं। दूसरे प्रकार के संत होते हैं युग दृष्टा, उनके सामने पूरा युग होता है, समस्याओं को देखते हैं, समाधान करते हैं। एक होते हैं भविष्य दृष्टा, वो भविष्य के आने वाले समय के पदचाप को सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है आचार्य महाप्रज्ञ जी तीनों थे, आत्मद्रष्टा भी थे, युग दृष्टा भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। एक प्रकार से कह सकते हैं हम कॉस्मिक सुपर दृष्टा। और जहां तक आचार्य श्री के व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, आचार्य श्री के व्यक्तित्व को देख करके कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही। महाकवि हुए हैं दिनकर। दिनकर ने आचार्य ऐसे देखे, अपन महाप्रज्ञ व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और उनके विचारों में भी मौलिकता थी। उनकी बौद्धिक क्षमता को देख करके महाकवि दिनकर जी ने बहुत सुंदर कहा, मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी में विवेकानंद का दर्शन होता है। और मैं कह सकता हूँ, आज का कोई विवेकानंद है तो वो कौन है, आचार्य महाप्रज्ञ। महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने लिखा है, मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी में कबीर का दर्शन होता है। दिगंबर आचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं,
आचार्य विद्यानंद जी, उन्होंने लिखा, मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी में दो व्यक्तियों का दर्शन होता है, एक तो डॉक्टर राधा कृष्णन का और दूसरा विश्व प्रसिद्ध बहुत मूर्धन्य दार्शनिक हुए हैं बर्टेट रसेल। यदि आप दार्शनिकों को जानते हैं तो उन्होंने कहा मुझे इन दोनों का दर्शन महाप्रज्ञ जी में होता है। और डॉक्टर नथमल जी टांडिया, उन्होंने कहा मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी में आचार्य सिद्धसेन का दर्शन होता है। आचार्य सिद्धसेन जो जैन न्याय और जैन योग को एक नई दिशा दी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही आकर्षक था। कर्तृत्व के दृष्टि से हम देखें दूसरा डायमेंशन कर्तृत्व। किसी ने लिखा है महान कौन, महान वह होता है जो लिखने जैसा कह जाता है, महान वह होता है जो या तो पढ़ने जैसा लिख जाता है या लिखने जैसा कह जाता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को हम देखें 25 वर्ष की उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और 90 दशक में 90 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ था। अंतिम समय तक उनकी लिखनी चलती रही, 360 लगभग पुस्तकें उन्होंने लिखी और 25 वर्ष की उम्र में लिखना प्रारंभ करना, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आए थे आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास, 3 पुस्तकें पढ़ के आए थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं लेके आए थे और जब अपने शंका का समाधान किया इतने प्रभावित हुए और सारे प्रोटोकॉल सारे छोड़ करके 15 अक्टूबर 2003 अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहां पहुंच गए, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास। बहुत बार जाते थे, प्राय अपना जन्मदिन आचार्य जी के साथ मनाते थे और एक पुस्तक भी लिखी थी, शायद पता हो, द फैमिली एंड द नेशन। आज ही उसमें कुछ भाग आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा और कुछ भाग महामहिम कलाम जी ने लिखा। तो महाप्रज्ञ की जो कर्तृत्व की बात कर रहे हैं हम, पुस्तकें भी ऐसे लिखे हैं, ऐसे नहीं कि अभी हमारे संयोजक महोदय बोल रहे थे कि ऐसी कोई विधा नहीं थी जिस पर उनकी लेखनी नहीं चली, हर विधा में पता नहीं कहां से उनको इतना ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, हर विधा में लेखनी चली। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव का लगभग 2500 वर्ष जब हो रहा था, बड़े बड़े आचार्य सारे मिले अलग अलग संप्रदाय के और कुछ निर्णय लिया, एक निर्णय लिया गया था श्रवण महावीर पर पुस्तक लिखा जाए। और श्रवण महावीर पर लिखा जाए कौन लिखे, उस समय आचार्य महाप्रज्ञ मुनि नथमल थे, कहा सबने यही कहा कि वे मुनि नथमल जो लिखेंगे वही हम सबको मान्य होगा। अब देखिए आचार्य महाप्रज्ञ पुस्तक लिखना प्रारंभ किए, खुद आचार्य जी कहते हैं कुछ ऐसे पहलू आए जिसका मुझे नॉलेज नहीं, अब कहां से उसका समाधान पाऊं। उस समय मैंने क्या किया, श्रवण भगवान महावीर से मैंने साक्षात किया। कौन बोल रहा है, महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान महावीर से भी साक्षात किया और आचार्य कुंद कुंद से भी मैंने साक्षात किया और जो मेरे लिए जिज्ञासा का विषय था उन सब का मुझे समाधान मिल गया। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे लेखनी की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। जर्मन के एक प्रोफेसर आचार्य जी के पास आए नॉर्मन ब्राउन, उन्होंने कहा महावीर ने, भगवान महावीर ने जितने भी उपदेश दिए प्राकृत भाषा में दिए थे, मेरी बहुत इच्छा है कि प्राकृत भाषा को सुनूं। और कहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी 1 घंटा अनेकांतवाद और श्यादवाद पर 1 घंटा तक बोलते रहे और प्रोफेसर साहब का कहना था मेरी भारत यात्रा सफल हो गई, सार्थक हो। तो किसी भी भाषा में लगातार भारतीय विद्यापीठ में जब गए थे ओम विषय पर 1 घंटे तक नॉनस्टॉप प्राकृत भाषा में बोलते रहे। और किसी भी भाषा जब दी जाती थी प्राकृत या संस्कृत में श्लोक बनाने के लिए सोचते नहीं थे, आंसू कवि थे, तत्काल किसी भी कोई भी विषय दिया जाता था तुरंत आचार्य से उस पर बोलने लग जाते थे। तो आगम संपादन की दृष्टि से देखें बड़े बड़े दूसरे संप्रदाय के आचार्यों ने कहा था, एक दो जगह हम भी गए थे,
बोले आचार्य महाप्रज्ञ जी जो कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो यात्रा में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, उनको करना चाहिए आगम संपादन का काम। आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ जी से कहा, मैंने आगम संपादन का सपना देखा है लेकिन हिमालय सा दुरूह काम, क्या यह संभव होगा? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, बस आप संकल्प करो और काम हो जाएगा। संकल्प करना आपका काम, पूरा करना हमारा काम। परीक्षा ध्यान 1962 में किसी एक भविष्यवाणी किसी ने की थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी को पता नहीं था क्या करेंगे और 1974 में उन्होंने परीक्षा ध्यान का इन्वेंशन किया। आज विदेशों में जब हम जाते हैं, मैंने देखा लोगों की ध्यान के प्रति इतनी रुचि। अमेरिकन लोग सिर्फ ध्यान करने के लिए आते हैं, मेडिटेशन सेंटर कहाँ कहाँ से लोग आके पहुंच जाते हैं। तो आचार्य श्री का देन देके हम आगम संपादन, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा संवाद, बहुत सारी चीजें हैं। वक्तृत्व के दृष्टि से देखें, तीसरा डायमेंशन अपना वक्तृत्व, संवाद शैली आचार्य श्री की बहुत आकर्षक थी। बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुझे पता नहीं हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी आचार्य श्री से मिले होंगे, गए होंगे, तो एक बार जो चला जाता है शायद मैं सोचती हूँ उनका बन जाता है, उनको कहना नहीं पड़ता मेरे पास आओ, खुद व्यक्ति खींचा चला जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं तीर्थंकरों के वचन का अतिशय होता है, वाणी का अतिशय होता है। मुझे ऐसा लगता है आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी वाणी का अपना अतिशय था, एक भी प्रवचन व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए अपने आप में पर्याप्त होता था। और हर समस्या के बारे में वो पढ़ते थे, सोचते थे, लिखते थे और साथ में बोलते थे। कोरा शब्द कोरा भाव खो देता है प्रभाव, अंतर का शब्द अंतर का भाव लाता है प्रभाव। आचार्य महाप्रज्ञ जी जब बोलते थे ऐसा लगता था कोई दार्शनिक संत बोल रहा है, महाप्रज्ञ जी जब बोलते थे ऐसा लगता था आधुनिक युग का कोई शिक्षा शास्त्री बोल रहा है, महाप्रज्ञ जी जब बोलते थे ऐसा लगता था 21वीं सदी का कोई वैज्ञानिक बोल रहा है, और महाप्रज्ञ जी जब बोलते थे ऐसा लगता था मेडिकल साइंस का कोई डॉक्टर बोल रहा है, और जब वो बोलते थे ऐसा लगता था कोई साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है। वो किस पर नहीं लिखी, बहुत सारी बातें वो कह गए हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ऐसा प्रवचन का 21वीं सदी में मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और बर्नार्ड शॉ ने एक बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति की महानता की कसौटी 200 वर्षों बाद होती है और जिसकी प्रज्ञा जागृत होती है 20 वर्ष बाद हो जाती है। तो शायद आचार्य महाप्रज्ञ जी की कसौटी 20 वर्ष भी नहीं लगा, वो थे तभी से उनका मूल्यांकन हो रहा था। चौथा डायमेंशन है हमारा नेतृत्व। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का नेतृत्व भी अपने आप में विशिष्ट था। स्वयं आचार्य महाश्रवण जी एक बार बोले, मुझे आश्चर्य होता है कि एक पदाधिकारी को बिना किसी आवेश के या बिना जोर से बोले भी काम चल सकता है। बोले किसी व्यक्ति की गलती हो गई, किसी साधु की गलती हो गई, जहां मैंने गुस्से के साथ बोला, आचार्य महाप्रज्ञ जी 9वें दशक में कह रहे हैं मुझे याद नहीं है कभी मैंने जोर से बोला हो या गुस्सा किया, ये सबको बता गए। अनुशासन में कठोरता जरूरी नहीं है, हमारी बहनें कई बार बोलते हैं बच्चों को डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कोमल अनुशासन शिथिलाचार नहीं लाता है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था आप कोमल अनुशासन से कर सकते हैं। तो नेतृत्व के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, NCR, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और रिलेशन। तीनों चीज आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपने आप में यूनिक था, विशिष्ट था। वो लॉन्ग लर्नर थे, सीखते रहते। रावण जब मृत्यु सैया पर था, राम ने लक्ष्मण से कहा था जाओ, राम कुशल शासक है, उसे टिप्स लेके आओ। लक्ष्मण गए, रावण ने कहा तुम्हारे भाई को भेजो। जब राम गए और कहा भाई आप तो बहुत कुशल शासक रहे हैं, कुशल शासक के टिप्स बताओ। हाथ जोड़ करके रावण ने कहा आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कुशल शासक हैं। और ये सीखने की जो वृत्ति है, सीखने की जो कला है, एक दिन आप महान राजा बन के रहोगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी राम के वक्त अंतिम समय तक खुद भी
सीखते रहे, तो वो लॉन्ग लर्नर थे। और देखिए हम महाप्रज्ञ बनने का गुण क्या, वो बने कैसे, दो चीजें थी, गुरु भक्ति थी और गुरु दृष्टि की वो शुरू से ही आराधना करते थे। बचपन से ही उनका तीन भक्ति में रुचि थी, ज्ञान भक्ति, गुरु भक्ति और आत्म भक्ति। ज्ञान के सागर थे, गुरु के आसपास रहे और साथ में आत्मा के भी आसपास रहे। और अपना 24 घंटे को उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था, आनंद की उपासना करते थे, शक्ति की उपासना करते थे और ज्ञान की उपासना करते थे। वो स्वयं कह रहे हैं, उनके तनाव मुक्त का एक सूत्र था, कभी 90 वर्ष में वो एक क्षण के लिए भी स्ट्रेस नहीं हुआ, तनाव नहीं हुआ। तनाव मुक्ति का राज बता रहे हैं कि निःशेषम, मेरा एक सूत्र था, रात को सोता था बस, जो मुझे आज का काम जो करना था मैंने कर दिया। और वो महापुरुष 99वें दशक में कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है 4 बजे के बाद सुबह बिस्तर पे कभी मैं सोया रहा और 10 बजे से पहले कभी सोया, अप्रमत्त रहे। तो आज हम महाप्रज्ञ जी की अभ्यर्थना कर रहे हैं, सही मायने में हमारी अभ्यर्थना होगी कि हम भी अप्रमत्तता का जीवन जिए, श्रम का जीवन जिए, स्वाध्यायशील बने, महाप्रज्ञ जी के पुस्तकों को पढ़े और साथ ही साथ महाप्रज्ञ जी ने जो भी दिया, परीक्षा ध्यान दिया, हम चाहे 2 मिनट के लिए भी ध्यान करें, लेकिन ध्यान करें और तनाव मुक्ति के सूत्र को अपनाएं, नहीं शेषम, आज मेरा जो काम था मैंने पूरा कर लिया। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की बात जो मैंने कही, 360 पुस्तकें उन्होंने लिखी, लेकिन अब एक नया काम हुआ, 360 तो बहुत पुस्तकें हो जाती हैं, तो लगभग 2 या 3 सालों से एक काम चल रहा था महाप्रज्ञ बॉम्बे का, कईयों को पता होगा, काफी जने और मुख्य रूप से साध्वी मुख्य नियोजिका विश्रुत विवाह जी के निर्देशन में, स्वयं भी के काफी साधु साध्वियां की विषय वाइज, जैसे क्रोध पे किसी को चाहिए तो 5 पुस्तकें देखने की आवश्यकता नहीं, एक पुस्तक में ही आपको पूरे क्रोध के बारे में आ जाएगा सारा, एक ऐसे विषय वाइज सारा लगभग 121 पुस्तकों का एक उन्होंने सीरीज बना दिया। तो मैं महामहिम जिसे विशेष रूप से कहना चाहूंगी, ये जो 121 पुस्तकों की सेट आई है, शायद कुछ व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो मैं महामहिम जिसे कहना चाहूंगी कि जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, 121 पुस्तकों का सेट आपके अथक श्रम से ये उपलब्ध कराई जा सकती है और पता नहीं कितनों की दिशा और दशा बदल सकती है, जीने की तरीका बदल जाएगा। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रख सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। और ये जो अभी संयोजक महोदय बता रहे थे ज्ञान चेतना वर्ष, तो इस ज्ञान चेतना वर्ष आचार्य महाश्रवण जी ने इस वर्ष को, महाप्रज्ञ जी का शताब्दी वर्ष है, ज्ञान के प्रति भी उनकी विशेष रुचि रही है, तो लक्ष्य पूर्वक भले एक पेज पढ़े लेकिन पढ़ के सोएं, एक प्रकार से उसको नींद की गोली बना लें, बिना पढ़े सोना नहीं। और वाजपेयी जी का मैंने शायद बात कही, वाजपेयी जी कहा करते थे, मुझे जब भी कोई समस्या होती है, स्ट्रेस आता है, मैं महाप्रज्ञ जी के पुस्तक को खोलता हूँ और जो भी पेज निकलता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समस्या का समाधान लिखा हुआ है। शायद आप सब भी एक दिन यही बात कहेंगे, लेकिन करें, कुछ करें। तो सभी से यही निवेदन, और महामहिम जी आए हैं, मैं बहुत बहुत अपने प्रति भी धन्यवाद देती हूँ, हमको भी बहुत दूर से बुलाया गया, ये कहा गया कि महाराज राज्यपाल महोदय आ रहे हैं और आपको भी आना है, तो हमारा आना भी सार्थक हो और आपका आना भी जगह जगह इस पुस्तकों को लाई जा सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आर। समणी ब्रंद ने अपना सार गर्भित महाप्रज्ञ जीवन का एक आपके समक्ष प्रस्तुत किया। 1990 में स्वयं आचार्य महाप्रज्ञ जी के हाथों से आपने समणी दीक्षा ली, देश विदेश का तो भ्रमण किया ही, विगत 3 वर्षों से आपका न्यू जर्सी में सेंटर है, वर्ष भर आप न्यू जर्सी में रहती हैं और केवल मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आपका भारत आगमन होता है। ऐसे समणी जी को आज हम सब लोगों ने मुख्य वक्ता के रूप में पाया है, साथ में समणी नीति प्रज्ञा जी है,
आपने 2010 में आचार्य श्री महाश्रवण जी से और समृद्ध दीक्षा प्राप्त की है। अब हम अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे। उससे पहले मैं एक स्वागत की छोटी सी परंपरा के लिए और हमारे ज्ञानशाला के प्रभारी नरपत जी बेताला और हमारे वयोवृद्ध श्रावक श्रीमान हनुमान प्रसाद जी लालानी से निवेदन करूंगा कि एक अंग वस्त्र और एक आचार्य प्रवर का चित्र भेंट कर हमारे महामहिम का स्वागत करें। मेरा अपना बड़ा परम सौभाग्य है कि आचार्य महाव्रत जी के जन्म शताब्दी समारोह में मुझे आपके सभी श्री चरणों का दर्शन करने का आशीष लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेषकर समान्य मल्ल्य प्रज्ञा जी का, हमारे परम स्नेही मित्र मनसुख जी, सुभाष जी, महेश जी, सुनील जी, सभी मातृ श्री का, आप सभी परम स्नेही मित्रों का ये क्षण मेरे लिए अक्षुण रखा जाएगा। मैंने उनके दर्शन किए, बहुत सुना है उनको, टेलीविजन से बहुत बार, लगभग 8.5 से 20 मिनट के लिए उनका प्रवचन लगभग रखा, वह भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार मैं और श्री महेश जी शर्मा जो हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, दीनदयाल शोध संस्थान में जनरल सेक्रेटरी करके हैं, मंथन करके मैगजीन निकालते हैं, उनके साथ मेरा जाने का सौभाग्य भिवानी में हुआ। तब उनके दर्शन कर उनको विनम्रता के साथ प्राग्रह पूर्वक प्रार्थना की गई थी कि एकाक मानव दर्शन पर आपका प्रवचन, आपका बौद्धिक ये सुनने को सभी विचार परिवार के लोग आतुर हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उन पर उस विषय पर आपका प्रवचन सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त। बहुत सहर्ष के साथ उन्होंने उसको स्वीकार किया और उनका वो बौद्धिक, उनका प्रवचन, उनका उद्बोधन वह अविस्मरणीय है, जहां तक एकाक मानव दर्शन का विषय है। अभी समुद्र में अगर एक कंकर डाल दे तो उसकी वाइब्रेशंस कहां तक जाती है कल्पना नहीं कर सकता, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर कैंडल में भी मोमबत्ती को भी जलाएं, उसके प्रकाश का वाइब्रेशंस कहां तक जाता है ये हम जमीनी मानव अनुभव नहीं कर सकते। हम तुलना जरूर करने लगते हैं लेकिन कर नहीं सकते। पूजनीय प्रज्ञा जी ने शुरू में ही कह दिया था, सारी धरती को भी कागज कर दो तब भी आप लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते, असंभव होता है। क्योंकि पुस्तकें पढ़ो, एक एक दो नहीं पढ़ो तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम मैं तो नहीं पढ़ सका किसी पुस्तक को ठीक से। हाँ, छोटी तीन कहानियों की पुस्तकें थी जिसमें 300-400 के करीब जैसे कोई होती हैं बातें छोटी छोटी, कृतज्ञता क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा करके उसको तो पढ़ लेते थे और थोड़ा बहुत जैसा बुद्धि समझ पाती है उतना समझ लेते थे, लेकिन पुस्तक पढ़ना ये असंभव सा लगता है। मुझे एक लाइन उनकी
बहुत अच्छी से लगती थी और मैं जहाँ भी जाता हूँ और कोशिश होती है उसको जरूर बोल दूँ कि अपने घर में दिल नहीं लगता, किराए का घर इतना प्यारा हो गया है कि छूटता नहीं। अभी टोटल फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड है, सब लोग इसी से परेशान है, पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस इसी एक लाइन पर है। इसको आम फिलोसफर ने आग्रह से कहा, जैसे नागार्जुन के पास कोई गया के संसार छोड़ना चाहता हूं छूटता नहीं, नागार्जुन ने कहा मैं पकड़ना चाहता हूं ये पकड़ भी नहीं आता, पुतकल है ना, मैटर है ही नहीं, पकड़ा किसे जाएगा, मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए वो तो डेल्यूशन है, कंफ्यूजन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बात बता दी गई कि मैं इज ए सोल इन ए बॉडी, नॉट ए बॉडी विद ए सोल। पूरा विश्व इसी में हमने चक्कर में आ चुके, मेडिटेशन करें कुछ भी करें, अल्टीमेटली अगर मेडिटेशन के माध्यम से अगर ये बात ध्यान में आ गई, मैन इज ए सोल इन ए बॉडी, यू आर ए डिविनिटी ऑन द अर्थ, आप सुपर सोल के कुछ हैं, आप सुपर कॉन्शियसनेस के कुछ हैं, सुपर मैन के कुछ हैं, सुपर एग्जिस्टेंस के कुछ हैं, सुपर सेल्फ के कुछ हैं, सेल्फ है, सोल है, एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है। ये अगर ध्यान में आ जाता है तो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन पूरे विश्व में ये ध्यान में नहीं आता। सभी लोग ग्रॉस बॉडी, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा दुनिया पूरा विश्व सटल बॉडी पर आके रुक जाता है। 21 वर्ष से ज्यादा दुनिया में किसी आदमी की उम्र नहीं है, ऐसा फिलोसफर्स कहते हैं। 14 वर्ष तक आकाश शरीर, 7 साल तक ग्रॉस बॉडी, 21 साल तक सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, उसके बाद फिर मेंटल बॉडी कोई है, स्पिरिचुअल बॉडी कोई है, कॉस्मिक बॉडी कोई है, और बॉडीलेस बॉडी कोई है। डॉक्टर से जाकर पूछे तो वो मानती नहीं, उनको तो केवल ग्रॉस बॉडी तक ही सब रहते। तो किसी भी सर्जन से किसी से भी पूछिए तो बड़ा मुश्किल लगता है, और सारी दुनिया का झमेला इसी में फंसा हुआ है। सारी दुनिया के जितने संघर्ष हैं उसका आधार यही है कि सारी दुनिया 21 साल से ऊपर सामान्यता बढ़ नहीं पाई। हम जब देखते हैं तो यानी देखिए, जैसे जैन गीता कहा संबोधि पुस्तक, सखा भी हूं बहनोई भी हूं और ऐसा मित्र हूं कि भगवान कृष्ण स्वयं अग्निदेव को कहते हैं कि मुझे अगर वरदान देना है तो ऐसा दीजिए कि अर्जुन से मेरी मित्रता ऐसी रहे जैसे नर और नारायण का जैसे संबंध रहे, गॉड पार्टिकल का गॉड से जैसे संबंध रहे। गॉड को नहीं तो छोड़िए, शून्य कहिए, एटम कहिए, आत्म और परमात्म कहिए, कुछ भी कहिए, वो संबंध मेरा बना रहे। हर प्रकार की टेक्नोलॉजी का वो एक्सपर्ट है लेकिन फिर भी विषादग्रस्त है। क्यों विषादग्रस्त है? विषादग्रस्त इसीलिए है कि उसने अपने आप को शरीर मान लिया और अंत में फिर उसको बोलना पड़ता है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तब प्रसादात मया स्थितोऽस्मि कत संदेहा करिष्यहि वचनान्तरम्। उसको मानना पड़ता है इस बात, वो भूल गया था कि मैं अनादि हूं, निर्विकार हूं, निर्लेप हूं, निराकार हूं, निरंकार हूं, लेकिन उसमें तो अहंकार था, गांडी है मेरे पास, कृष्ण मेरा साथी है, ये चारों पांचों भूतें पाते भूल गया था। अनंत उसके साथ बैठा है, अनंत से अनंत तक फैला, अनंत उसके साथ बैठा है, लेकिन उसको अपना अंत तो ध्यान में आ रहा है। उसको लगता है कि इस युद्ध में मरूंगा जीऊंगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंफ्यूज्ड है, विवादग्रस्त है। क्यों? ये जो सारा जितना भी हम करते हैं बैठते हैं, केवल भारत के अलावा पूरे
पूरा भारत ही एक पहला ऐसा देश है जिसने शायद शायद ही सच्चाई में जिसने रिसर्च किया, ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया, किसने किया मालूम नहीं, लेकिन जो अनुभव किए वो लिखे। तो अंतर तो इतना ही हुआ ना, जिसने हमको भेजा, किसी ने भी भेजा होगा, अंतर इतना ही है कि वो अनंत है और मैं अनंत नहीं। बाकी सब क्वालिटीज तो मेरी वही है, अनादि अनंत निर्विकार निराकार निरंकार, जिसको आत्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो अनंत बनने के लिए क्या करना, तो फिर जीवन विज्ञान का सिद्धांत आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि जियो बाहर रहो भीतर। ये जियो बाहर रहो भीतर ये आसान है क्या? आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। जीवन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका सार बताते हैं कि वाणी में मधुरता होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए, आंखों में करुणा होना चाहिए, जीवन। लेकिन जीवन विज्ञान तो बहुत मुश्किल हो गया और इसलिए दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हो गई। इस जीवन विज्ञान को लोग समझें, बात वही, दुनिया भर के योग, दुनिया भर का ध्यान, दुनिया भर के सब आचार्य लगेंगे, लेकिन एक शब्द में अगर सबको समाहित करना पड़ जाए तो वह शब्द है सोलमूल। आचार्य महाप्रज जी का जैसा कहना है, दो ही तरीके हैं ना, लोग जनरली जो बोलते हैं कि या तो आप ड्यूलिस्टिक वर्ल्ड में विश्व में रहे जो द्वैत से भरा है, प्लेजर्स है, पेंस है, राइट है, रॉन्ग है, यश है, अपयश है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मृत्यु है, अस्ति है, नास्ति है, या तो इस द्वैत विश्व में रहिए जिसमें हम सब रह रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कुछ मस्ती मार रहे हैं, कुछ मस्ती मारने की कोशिश में लगे हैं, या फिर दूसरा है कि एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, निर्वाण, मोक्ष, कलयुग में इसको प्राप्त करने के लिए दुनिया से दौड़ जाएंगे। दोनों ही गलत है, दोनों ही ठीक नहीं है, इक्वली बैड है। इसे आचार्य महाप्रज जी का कि रहना है तोड़ना नहीं, इसी जीवन में रहना है, इसी धरती पर रहना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करना है, डिविनाइज करना है। वो प्रयोग है जिनका जिक्र अभी परम पूजनीय प्रज्ञा जी कर रही थी, वो तरीका है। उस तरीके का इजहार लोगों ने किया, संतों ने किया, ऋषियों ने किया, ऋषियों ने किया, उसके माध्यम से हम तीसरे तरीके को अपना करें, जिसको आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, आत्म दर्शन, आत्म अनुभव, आत्मवादी, कुछ भी नाम दे दीजिए, वह करना। उसके लिए जो प्रयोग किए गए हैं और बताते हैं ऋषि सन्यासी जो भी हैं, उसमें सबसे आसान हमको जो लगता है, हमको जो लगता है, मुझको यानी मेरे को जो लगता है कि मैं कोई प्रवचन नहीं सुनना चाहता, मैं कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको देखना चाहता, पश्यन्ति। परावाणी कहां समझ में आएगी मुझे? आ सकती है क्या? मुझे नहीं समझ में आ सकती। दिव्यवाणी, देववाणी समझ में नहीं आ सकती। मैं तो केवल अगर समय मिले और मेरे पास समय हो तो चाहे चित्र को देखूं या आपको देखूं, आपको देखता ही रहूं, पूरा दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये देखने से ही अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, बोलने से कम मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक दो मिनट, चाहे आप उसको मेडिटेशन कहिए, मेडिटेशन कहिए, चाहे आप उसको कुछ कहिए, एक दो मिनट के लिए जो भी आपका आराध्य हो, आचार्य महाप्रज जी, आचार्य तुलसी हैं, कोई भी, उनके सामने बैठकर जरा एक दो मिनट बिना बोले बात करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.